हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लाया हूँ मैं आंसर। दोस्तों इसके पहले वाले संडे को मैं आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, कुछ कारण के वजह से कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसके नाम से मैं वीडियो को तैयारी नहीं कर पाया था, तो दोस्तों उसके लिए दिल से सॉरी। दोस्तों आज मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले विक्रम भाई से। विक्रम भाई ने हमसे एक क्वेश्चन किया कि मेरा जो इंडक्शन कुकर है वो प्रेस्टीज कंपनी का है जिसका मॉडल नंबर है PIC 6.0। इसमें क्या होता है कि कुछ देर चलने के बाद E1 का एरर आता है, तो विक्रम भाई थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे हमारी बातों को। आपका इंडक्शन मान लो प्रेस्टीज कंपनी का है या बजाज कंपनी का या हेवल्स कंपनी का, वीगार्ड कंपनी का है, 5-6 कंपनी जो है उसमें प्रॉब्लम आती है कि टॉप सेंसर यानी क्वाइल में एक सेंसर लगी रहती है, उसको टॉप सेंसर भी बोलते हैं, क्वाइल सेंसर भी बोलते हैं। वो क्या होता है कि ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो कुछ देर चलने के बाद आपका डिस्प्ले में E1 का एरर रहता है। ओके, ये आपका हो गया आंसर। अब थोड़ा एग्जांपल के लिए समझेंगे। मान लीजिए कि अपने घर पे इंडक्शन को खोल रहे हो, उसको सर्विसिंग करना या साफ सफाई करना, उसके लिए आप खोलते हो इंडक्शन को। खोलने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आप क्वाइल को भी खोल देते हो, क्वाइल खोलने के बाद सर्विसिंग कर देते हो, साफ सफाई कर देते हो, उसके बाद फिर से उसको क्या करते हो, रेडी करते हो। रेडी करने के बाद मान लो यूज करते हो, यूज करने के बाद दोस्तों आपको डिस्प्ले में कुछ देर चलने के बाद E1 का एरर शो करता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले मेरा इंडक्शन सही चल रहा था, जैसे उसको मैंने साफ सफाई के लिए सर्विसिंग के लिए खोला, उसके बाद मैंने यूज करा हूँ तो E1 का एरर आ रहा है, तो आप कन्फ्यूज हो गए। तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको, आप क्या करते हो कि PCB में जो सेंसर का जेक लगा रहता है उसको माउंट करना भूल जाते हो, तो ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि भूल जाते हैं कभी कभी जल्दीबाजी में, तो उसको फिर से ओपन करके उसको फिर से माउंट करना, आपका इंडक्शन रेडी हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन हमसे आता है कि सर वी गार्ड का VIC 10 का मॉडल है, उसका माइक्रो कंट्रोल IC मिलेगा क्या? तो माइक्रो कंट्रोल IC मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी क्या है, लॉकडाउन है, ना ट्रेन जा पा रही है, ना स्पीड पोस्ट ऑन है। तो अभी बहुत सारे मेरे पास कॉल आ रहा है कि थोड़ा कि सर IGBT मिलेगा क्या, सर मॉड्यूल मिलेगा क्या, तो या PCB मिलेगा क्या। तो अभी आपको बता देता हूँ कि लॉकडाउन जब तक ओपन नहीं हो जाता, जब तक रेलवे चालू नहीं हो जाती, जब तक स्पीड पोस्ट क्या होता है पूरी समझ लो सप्लाई नहीं कर पाती है, तब तक हम सामान इधर से उधर नहीं भेज सकते। आप थोड़ा सा भी इंतज़ार करो लॉकडाउन ओपन होने का। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपके साथ भी हो सकता है प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन हमसे ये आया कि सर IGBT के गेट पे वोल्टेज आ रहा है तो क्या करें, इंडक्शन ऑन करते ही IGBT ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने 8050 और 8850 ट्रांजिस्टर भी चेंज किया, सीरीज में ऑन करते ही ब्लास्ट हो जाता है, तो आप सीरीज में लगाते साथ ही ब्लास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो आप मान लो IGBT चेंज करते हो, रिप्लेसमेंट करते हो, IGBT रिप्लेसमेंट करने से पहले आप वोल्टेज चेक करते हो, IGBT कलेक्टर पे वोल्टेज चेक करोगे तो वहाँ पे सप्लाई आना चाहिए, और गेट पे सप्लाई चेक करते हो तो वहाँ पे सप्लाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। IGBT बिना लगाए तो मान लो कि वहाँ पे सप्लाई आ रहा है 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट आ रहा है तो कहाँ से आता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन से आता है, तो आप क्या करते हो पल्स विद मॉड्यूलेशन ट्रांजिस्टर को रिप्लेसमेंट कर देते हो, फिर भी वहाँ पे 18 वोल्ट आपको आ रहा है, ठीक है। तो आप हो जाते हैं कन्फ्यूज कि मैंने ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर दिया फिर 18 वोल्ट आ रहा है, अब क्या करें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आपका आंसर मैं दे रहा हूँ। क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, पहले IGBT लगाने से पहले आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। अगर ऐसे ही आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो क्या करना है, सबसे पहले जो माइक्रो कंट्रोल IC देखते हो, या 16 पिन का हो सकती है या 20 पिन का हो सकती है, उसको क्या करना है आपको बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद अगर मान लो 18 वोल्ट वहाँ पे IGBT गेट पे आ रहा है तो आपको क्या करना है कि ट्रांजिस्टर 100% ख़राब है, आपको ट्रांजिस्टर चेंज कर देना है। और मान लो कि 18 वोल्ट नहीं आ पा रहा है, कब, जब IC आप बाहर निकाल दी हो PCB से, तब तो 100% आप समझ लो आपके IC ख़राब हो गया है। इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सिस्टम से काम करते हैं, IC से पल्स कैसे आता है, और पल्स विथ मॉड्यूलेशन से पल्स IGBT गेट पे कब आता है, इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कुछ लॉकडाउन बाद में। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन है कि IM केरला सब्सक्राइबर, सर अपोरा इंडक्शन है, IGBT वर्किंग, बट क्या होता है 1 से 2 दिन में IGBT उड़ जाता है। इनका क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है कि मैंने IGBT चेंज कर देता हूँ, लेकिन क्या होता है 1 से 2 दिन चलता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारा IGBT इंडक्शन का उड़ जाता है। 1800 वाट का इंडक्शन है, PCB जो है वो आपका पिजन जैसा है, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मान लो कि आप IGBT लगाते हो, लगाने के बाद 2 दिन में उड़ जाए, 1 दिन में उड़ जाए, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, प्रॉब्लम आपके IGBT से क्रिएट होती है। क्यों, क्योंकि आप IGBT ओरिजिनल नहीं डालते हो।
किसी किसी पीसीबी में ऐसा होता है कि आप जब तक ओरिजिनल आईजीबीटी नहीं लगाओगे तब तक आपका क्या होता है, आईजीबीटी सही काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पुरानी पीसीबी में से आईजीबीटी लेना पड़ेगा और अपने पीसीबी में माउंट करना पड़ेगा। ओके, माउंट करने से पहले वहाँ पे ध्यान देंगे सबसे पहले कि हीट सिंक कंपाउंड और जो हीट सिंक में आप आईजीबीटी टाइट करते हो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। दूसरी तीसरी चीज़, जो ट्रांजिस्टर होता है 80-50, 85-50, उसको आपको रिप्लेसमेंट करना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्री सेट आप देखते हो 500 का एक का हो सकता है, 502 का हो सकता है, 203 का हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्री सेट को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसी इसके वजह से भी आपका आईजीबीटी ख़राब होता है, तो ये बात को आपको ध्यान देना है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर बजाज का इंडक्शन है जिसमें मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस 2 वाट में लगा दिया हूँ, ठीक है। अब रेजिस्टेंस सप्लाई देने के कुछ देर बाद गर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, हम रेजिस्टेंस जलने लगता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जलने लगता है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूँ कि देखो आप क्या करते हो, जहाँ पे 22 ओम का रेजिस्टेंस लगना चाहिए वहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हो, तो वास्तविक बात है कि कुछ देर आपका इंडक्शन चलेगा और उसके बाद रेजिस्टेंस जलेगा ही। क्यों जलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो 22 ओम का लगेगा ना, तो वहाँ पे आप 22 ओम से लेके आप 56 ओम तक रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर मेरे पास एक बजाज पॉपुलर स्मार्ट 15 दिन में उड़ जाता है, क्या कमी है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमसे आया कि 15 दिन में उड़ जाता है, तो क्या उड़ता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये बताया नहीं आईजीबीटी उड़ता है कि कंडेंस कैपेसिटर होता है कि क्वाइल उड़ता है, क्या उड़ता है, लेकिन आईजीबीटी उड़ने का इनका कंप्लेन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन में उड़ता है, तो बजाज पॉपुलर स्मार्ट में क्या होता है, जो क्वाइल आप देखते हो वो क्वाइल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, और जैसे उसके कमज़ोर हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका आईजीबीटी उड़ेगा, क्योंकि क्वाइल का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो आईजीबीटी आपका नहीं उड़ेगा, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे एक डबल लेयर की क्वाइल आती है जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है, कहीं पुरानी पीसीबी से आप निकाल सकते हो, इंडक्शन से निकाल सकते हो, उसको लगा सकते हो, आपका कंप्लेन नहीं आएगा। और ध्यान देना है कि 15 दिन में उड़ता है तो वहाँ पे आईजीबीटी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और एक बार प्रीसेट को आप चेंज कर देना। ओके, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन था और हमारा आंसर था, आज समाप्त हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जानकारी के लिए बताता हूँ दोस्तों, आप मेरे नंबर पर अभी कॉल करते हो बार बार, बहुत सारे कॉल आता है, लगभग मैं पर डे का बात करूँ तो 200-300 कॉल आ जाते हैं, थोड़ा मैं भी बिजी हूँ, कॉल अटेंड कर पाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए दिल से सॉरी। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो इस वीडियो में जाके पूछो, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप कॉल मत करो, जहाँ तक हो सके व्हाट्सअप करो, लेकिन उसके लिए भी रिप्लाई करने के लिए जैसे मेरे पास टाइम मिलता है, सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, किसी किसी को रिप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए दिल से सॉरी, मेरे को बुरा भला मत कहो। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।